लोग एक के ड्रामा था जिसके बारे में मुझसे अक्सर लोग पूछा करते थे कि भाई ये के ड्रामा हमें देखना है हिंदी में एंड ये कब तक आएगा। सो फाइनली आज उसका आंसर मिल गया, क्योंकि आज सडनली मतलब सरप्राइज बोलो, धमाका बोलो, जो भी बोलना है बोल लो, बट फाइनली वो हिंदी में आ गया है। का नाम है मेरे भाई K2। एंड इस के ड्रामा को पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब ये 2 साल पहले नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप किया गया था तभी मैंने इसको देखा था। एंड अगर आप चेक करोगे तो मेरा एक फुल डिटेल रिव्यू भी इस पर मिल जाएगा, जिसको मैंने 2 साल पहले बनाया था जब मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल देखा था। सो भाई आज के वीडियो में आपको मैं बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ K2 के ड्रामा को आपको क्यों देखना चाहिए, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा एंड इसकी हिंदी डबिंग कैसी है एंड जो एपिसोड रिमेनिंग अभी नहीं आए हैं वो आपको कब तक देखने को मिल सकते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में आपको मैं बता करके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि साइड उसको कवर करने के लिए प्लीज एडजस्ट कर लेना थोड़ा आज इस वीडियो को, और एंड तक जरूर देखना कि इस केड़ामा में आपको देखने को क्या मिलेगा। तो देखो इसके कॉन्सेप्ट मतलब इसकी कहानी में आपको बहुत सारा थीम देखने को मिलता है। इसमें आपको रिवेंज ड्रामा देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिलेगा एंड थोड़ा सा साईफाई एंगल भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें अगर जर्नी की बात करें तो इसमें अपने कैरेक्टर मतलब अपना जो हीरो रहता है उसके कैरेक्टर की जर्नी फॉलो करनी है, जिसको भाई रिवेंज लेना है। अब वो किससे रिवेंज लेना चाहता है, किसका रिवेंज लेना चाहता है एंड वो कैसे बॉडीगार्ड बनता है एंड क्या क्या उसके साथ होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस K2 ड्रामा को फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली में अगर ड्रामा के नाम की बात करें कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखो जो अपना हीरो है JCW कैरेक्टर उसका नाम ही K2 रहता है। अब उसके साथ ऐसा क्या होता है कि उसको K2 बोला जाता है, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख लेना, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन अगर दूसरे मुद्दे की बात करें कि ये आपको कहां पर मिलेगी, तो देखो इसके जो स्टार्टिंग के 10 एपिसोड हैं, मतलब 16 एपिसोड आपको देखने हैं इसके सीजन में, लेकिन जो 10 एपिसोड हैं उनको आज MX Player के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि 6 एपिसोड कब आएंगे, तो देखो भाई कोई फिक्स डेट नहीं, वो कभी भी आ जाएंगे, हो सकता है सैटरडे संडे में आ जाए, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आए, या फिर हो सकता है महीना भी लग सकता है, क्योंकि आजकल MX Player पर क्या हो रहा है, जो एपिसोड पेंडिंग हो जाते हैं उनको भाई आने में महीना भी लग जाता है। अगर अभी आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब सारे एपिसोड आ जाएंगे तब आप इसको देखना स्टार्ट करना, तो थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे ही सारे एपिसोड आ जाएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी हिंदी डबिंग की बात करें तो MX Player पर अभी तक जितने शो आए हैं रिसेंट में उनसे इसकी हिंदी डबिंग काफी ज्यादा बेटर है, बट वही आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, वॉचेबल, आप जाकर के देख सकते हो, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, कान से खून नहीं निकलेंगे इस बार, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये डाउट चल रहा है कि भाई इसको देखना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ साफ साफ कि भाई आप इस ड्रामा को देख सकते हो, लेकिन आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो 2016 वाला होना चाहिए, मतलब सीरीज बहुत ज्यादा पुरानी है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको थीम देखने को मिलेगा एंड 2023 से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस तरह की जो चीजें आपने बहुत बार एक्सपीरियंस कर रखी हैं, लेकिन वो वाला फैक्ट होता नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये ड्रामा भाई ओल्ड है एंड गोल्ड है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, 2016 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि उसमें जो साईफाई का एलिमेंट देखने को मिलता है उस टाइम बहुत ज्यादा नया था। डिटेल रिव्यू कर रखा है तो जो चीजें उसमें मैंने रिपीट किया मैं आपको फिर से बता करके वीडियो लंबा नहीं करूंगा, बस देखना है। अगर आपको मजा लेना है, आप JCW के फैन हो, आपको रिवेंज स्टोरीज पसंद आती है, आपको साईफाई एंगल देखना पसंद, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को एक बार ट्राई दे सकते हो। जब 2 साल पहले मैंने इसको नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था तो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था एंड अगर उसी के अकॉर्डिंग मुझे अभी भी इसको रेट करना होगा तो मेरी रेटिंग रहेगी इसके सीजन को लेकर के 8/10 स्टार। आपने देखा है तो आपने कितना एंजॉय किया है, क्या आप MX Player से शोज देखना पसंद करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।